को उनका हाल यह है कि उन्होंने उस इशू पर डिबेट करने की कोशिश भी दो मरतबा नाकाम बनाई। क्या टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी ये नहीं है? आज हमने क्या किया, हमने अपने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज किया, हम सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने यहां कानून साजी के लिए तरमीम पेश की। आज आप उस बात पर एतराज कर रही हैं। अगर आपके पास लॉजिक है, जब डिबेट हो उस डिबेट में आप अपनी बात पेश करें। आवाज ऊंची करने से, गुसीले लहजे में बातें करने से, अपने जेंडर की सेंसिटिविटी का फायदा उठाते हुए कि कोई आपको आपके साथ तुर्की बतुर्की जवाब नहीं देता, मेरे ख्याल में ये डिफेंसेस छोड़ दें। ये हिपोक्रिटिकल डिफेंसेस होते हैं, इनकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। जिस तरह आपने अपनी क्रेडिबिलिटी डिमोलिश की है, इस तरह से ऐवान की क्रेडिबिलिटी को डिमोलिश ना करें। और आखिर में मैं ये कहूंगा कि अब इस वक्त आपने सुप्रीम कोर्ट भी जाना है। मैं जा रहा हूं सर जी। अगर कोई लॉजिकल बात है जरूर करें, लेकिन ये हर बात पर खड़े होके ऊंची आवाज में इस ऐवान को इंटिमिडेट करना, मेरे ख्याल में अगर आप ये समझती हैं कि आप ऐवान को इंटिमिडेट कर रही हैं, तो यही समझ आपकी सबसे बड़ी नासमझी है। इस समझ को चेंज करें, इस अप्रोच को चेंज करें। आपको हम उसी तरह तुर्की बतुर्की जवाब देंगे, उसी तरह आपको हम कंटेस्ट करेंगे आपकी बातों को, जिस लहजे और जिस तरीके से आप करती हैं। और आखिर में चेयरमैन साहब, एक बीमारी होती है उसको कहते हैं वर्बल डायरिया, उसका इलाज इंटेस्टोपान होता है। उस वर्बल डायरिया का इलाज करें, लॉजिक से बात करें। गैर जरूरी लॉजिक और आवाज सुनाने से इस ऐवान की तौकीर में इजाफा नहीं होता, बल्कि आपकी अपनी भी तौकीर होती इन द वर्ड्स दैट हैव जस्ट बीन स्पोकन बिफोर योर ऑनर। दूसरी बात यह कि एक और चीज जो मैं बड़ी थोड़ी सी अजीब सी बात कहना चाहूं कि कमेटी ऑफ द होल में भी यह बात डिस्कस हुई है। कमेटी ऑफ द होल में इसी पर डिस्कशन हुई, आप ही के पार्टी के चेयरमैन थे रजा रबानी साहब, उनकी सरबराही में हुई है, आपने भी उस डिबेट में हिस्सा लिया। आज आप उस स्पिरिट को, आप उसके लेटर्स पे ना जाएं, आप उस डॉक्यूमेंट के और उस रिपोर्ट की स्पिरिट पे जाएं। आपने सीओडी के स्पिरिट को वायलेट किया, आज आप उसके लिए बहाने और जवाब तलाश कर रहे हैं। आपने कमिटी ऑफ द होल की रिपोर्ट में जो इंटेंट था, जो पर्पस था, जो रैशनैलिटी थी, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। और आज जब वही बात हम कर रहे हैं तो आप उस पर एतराज कर रहे हैं, लेकिन आपके पास मुतबादल भी कोई नहीं है। एक तरफ आप हॉर्स ट्रेडिंग की बात करती हैं, दूसरी तरफ आप मुझे बताएं क्या मैं यहां पर कच्चा चटा खोलना शुरू कर दूं कि यहां पर कितने मेंबरान आए आपकी पार्टी की तरफ से जो हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए यहां पर आए। छोड़ देते हैं, ऐसी बातें नहीं करते क्योंकि पर्सनलाइज हो जाती हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, आपने कहा टिरनी ऑफ मेजॉरिटी है, यहां पे मेजॉरिटी बुलडोज कर देती है और हम उस प्रिंसिपल के खिलाफ खड़े हैं। मुझे आप ये बताएं, इस आईन में, इस ऐवान में आपने कितनी कानून साजी को सिर्फ टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए वो किया, बुलडोज किया। मैं खुद उसकी मिसाल हूं, मैंने आर्टिकल 160 में तरमीम की, दो मरतबा पेश यहां पर प्रेजेंट की, सबमिट की, आपने बगैर किसी लॉजिक के आपने उसको उड़ा दिया। और आपने उसको, आप यानी कमाल की बात यह है, डेमोक्रेसी की रिवायात का हाल देखे कि एक तरफ जमहूरियत के अलमबरदार जो इस मुल्क में जमहूरियत के मुजिद समझते हैं अपने आप